I'm probably going to eat that whole thing. जाले के खेत में कमाए साहब के खेत में जाए कमाए कोई और आलू भी कोरे थी काम से समास ना हो कल तो ना जाइले पड़े तो पांच महीने तो गेल ही बारी अभी तो अभी पहले क्लास में रही ते तो भैया चल रहे कमाए सब लोग कहे घेरा गेल पंजाब जाते रहल तो हम भैया बड़ी रोए तो घर रोते रोते थल गए रहे हम ये बाबू पंजाब रहे तब बाबू अथी मन से फोन करे तो कहे सास अथी ना हो के हम बाबू बड़ी रोवे आ खोजे हम भैया के तब भैया से ना कोनो कार हो के हम बाबू उन्हें से बतावे ना ना इन्हें से कार हो के हम भैया से तो हम भैया से बात थल गए रहे बिछावना पकड़ ले रहे से हम पढ़ू कमाऊ हम ना कमाए तो कहलक जो कमा ही जो न जेबे पढ़े तो हम चल गए कमाए छौरी कबो कबो जाए बर हई लीला हम ई सब बर बर लला इन सब लोर होकर धान ले आवे कोनो कहे कमाए मरे जाला त कमा के ले आवे उनके ऊपरे उती दूर दे से विपत पड़ रहे तो उहे सहार ला यहाँको मान्छेहरू धेरै पिछडेका थियो त्यहाँ यहाँको दलितहरूले पहिला दलितले छोएको खाना खाँदैन थियो दलितको बसेको ठाउँमा जाँदैन थियो तर त्यति छैन अब यो काम गर्छु त यहाँको मान्छेहरूको केही चेतनाको विकास हुन्छ भने त्यसै यो औषधिको पसल हो तिन टुक्का कके हेमेसे एक टुक्का खिया थियो यहाँको
बालिकाहरूलाई यहाँको मान्छेहरूले दलित जातिको मान्छेहरू चाहे अरू जातिको मान्छेहरूले नाउँ लेखाउँदैन थियो स्कुलमा। त्यसलाई हामी यङ च्याम्पियन तालिम लिएर तिनीहरूलाई स्कुलसम्म पुर्यायो र एडमिसन गरायो र त्यो जान्छ कि जाँदैन म हेर्छु त्यसलाई। मनिषा जैसन 35 जना एक गाउँके लडकी सब नाजाले पढे। हमनी मनीषा के परिवार के तो पहले ही से चिन्ह थे क्या कि हम वही टोल में बात हमनी मनीषा के काहे न चिन्ह। हमनी जब ओकरा घर में गेली तो कहे हमनी पूरा लड़का के तो ना पढ़ा सकम तो हमनी कहली कि कम से कम है 3 गो लड़का पढ़े वाला बाटे एक पढ़ाऊ एक आदमी नहीं हो पढ़ी तो कोनो फर्क ना पड़ी तो कहलक हुई। तब हम बहिन से पढ़े लगल बोलिए होते अपनी पढ़ाई तक हम नहीं पढ़ाई तो हमने हमारा होशियार नहीं हो हम थोड़े हो क्या हम बुझाते कुआरी लेके हुए लखन हम चल कमाए तो हम कहलिए कमाए ना ऐसे बनिए जा पढ़े तो हम कमाई तो ले आन के सब को खियाई या खाई क्या कि हमने के उहे कामे रहे कि लड़की के पढ़ाऊ अब मनीषो से बतवाई तो कहे कि हमरा लाज लागले हम ना जाएं स्कूल में कह के वो अपने से कहे अब मिलती तो अभी पढ़े कौन बारी बात है खाली जाए पढ़े तब देखे देखे कहले देखा ना कितना दिन पवे तक पढ़े तुम कहले तना हम का मर दे। मनीषा जैसन उम्र के लड़की सबके हमने एक के साथ ले जाके एक दो दिन स्कूल में पुगा दे तो अपनी पढ़े जाए लगी लाजो अपनी के राजू के घर के बाटे हमनी गांव के नक्शा कोरम वो घर में कौ गो लड़का पढ़े जाइता कौ गो लड़की पढ़े जाइता कौ गो वो घर में रह जाइता भाई घर के चिन्हासी भाई अगरा घर में कौ गो लड़का बा वो लिखाई है खंड में आ कितना पढ़े जाले लड़का में वो लिखाई है एगो में आ कितना जाले लड़की में हे में लिखाई आ कितना लड़की में ना जाले लड़का में हे में लिखाई आ लड़की कितना ना जाले हे में लिखाई वो हमने घर अब बनावे जाए करी च
हमी ओवाईसी हमने जाके उनका बाप माता के समझाए कि लोग पढ़े पिठाओस स्कूल में स्कूल कम से कम अगर 6 बरस से होई थे जी हमने गेल बारी हेड सर से जाके कहली लड़का सबके पीटे के ना चाहिए पीट के पढ़ाएम तो लड़का पढ़ी ना और भाग जाए ओके समझा बुझा के पढ़ाई बहुत सुधार हो स्कूल में जब गाँव में गए अपना बाल बालिका पढ़ाऊ कस कसले कि यो बिहे भ गर्न उमेरको भइसक्यो अब यसको म बिहे गर्छु तब म आफ्नो उदाहरण दिन्छु 14-13 वर्षमा हो गेल लैका रहली जति बाप मतारी कहलो जति कह लेली देख हमर बियाह एगो होलक तऽ हमनी एतने तक पढ़े सकली आज हमर बियाह ना होइ रहै तऽ हमनी बढ़िया पढ़ लिख के बढ़िया कोनो पद में रहती जन्म मुखल तो कहे कि बेटी के ना पढ़ावा चूरी में बैठा के खाना वाना बनवा कह के कहीं कहीं से रीति रिवाज ऐसा बाके कि बेटा बेटी में फर्क रखा ले तो माई ना कहल जाए रोज पढ़ाऊल नायका मैडम बढ़िया से पढ़ा चलो चलो नायका मैडम से हेलो मिशा सब लिख ले बोली मेटका के फिर लिख लिखा था मुझे फिर लिख के पढ़ा एगो सर है नया हम ना कैली है मनीषा सब चीज में चना करवा जितना पढ़ लेके छोड़ लेबे उतना अभी को हम तो बता दी आ फिर दे हम ओकरा ऊपर से लिख के से इतना पढ़े तो फिर ली पढ़ के बता दी मनीषा जब पढ़े जाए तो ओकरा ई काम करे के ना पड़े उ बहुत कुछ जाके स्कूल में सीखे आ उहो अपना जौन टोल में बाटे लड़की सब ओके सिखबे कि तू हो जो पढ़े बोले उपेंद्र कहले हरदम के लड़का लड़के के भेजा स्कूल में उपेंद्र हर दिन आवल वो तो आगे कहले बैठा जाए चाहे स्कूल में ले जाए पढ़ावे ला कही दली